हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्रुनम्स किचन। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट राइस फ्लोर चिल्ला की रेसिपी। ये काफ़ी बेहतरीन बनने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखें। राइस फ्लोर चिल्ला बनाने के लिए हम ले लेंगे 2 बाउल चावल का आटा, तेल, इनो या फिर आप बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं, कटी हुई धनिया पत्ती, आधा कटा हुआ शिमला मिर्च, 1 ग्रेट किया हुआ गाजर, आधा ग्रेट किया हुआ काकड़ी, 1 कटा हुआ टमाटर, उबला हुआ मटर, सफ़ेद तिल, नमक, राई, 3 स्पून दही और पानी ले लेंगे। सबसे पहले 1 बाउल में चावल का आटा डाल देंगे। चावल का आटा आपको आसानी से किसी भी आटा चक्की की शॉप पर मिल जाएगा। ग्रेट किया हुआ काकड़ी डाल देंगे। चॉप किया हुआ शिमला मिर्च डाल देंगे। टमाटर डाल देंगे। ग्रेट किया हुआ गाजर डाल देंगे। उबले हुए मटर डाल देंगे। धनिया पत्ती डाल देंगे। दही डाल देंगे। नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे। अब हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सेमी थिक बैटर रेडी कर लेंगे। अक्सर चिल्ला बनाते टाइम वे टूट जाते हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आपका चिल्ला बिल्कुल भी टूटेगा नहीं और एकदम परफेक्ट बनेगा। अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर से करें। हमारा बैटर रेडी है। कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही रखनी है आपको। अब हम 3 स्पून गरम तेल ले लेंगे, उसमें 2 स्पून राई डाल देंगे, 2 स्पून सफ़ेद तिल डाल देंगे। दोनों को क्रैकल हो जाने दें थोड़ी देर। अब इसे बैटर में डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं 1/2 पैकेट इनो डाल दूंगी। इसकी जगह आप 1 टीस्पून बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर ले। इससे चिल्ला एकदम फ्लफी एंड सॉफ्ट बनेगा। आप इसे राइस फ्लोर पैनकेक भी कह सकते हैं। हमारा बैटर रेडी है, अब हम चिल्ला बना लेंगे। अब एक नॉनस्टिक पैन ले लेंगे। अब हम बिल्कुल थोड़ा सा तेल अप्लाई कर देंगे। बहुत तेल नहीं डालना हमें इसमें, तवे को अच्छे से गर्म हो जाने दें। अब बैटर को तवे पर डाल देंगे, अच्छे से स्प्रेड कर दें। इसे हमने सेमी थिक ही रखना है, एज राइस फ्लोर का बैटर एकदम सॉफ्ट होता है तो चिल्ला टूट सकता है, तो थोड़ा थिक ही रखें इसे। मीडियम फ्लेम पर एक साइड पका लेंगे। अब थोड़ा सा ऊपर तेल डाल देंगे। थोड़ा सा सफ़ेद तेल डाल देंगे।
चीला एक साइड से कुक हो चुका है, इसे आराम से पलट कर दूसरी साइड कुक कर लेंगे। अक्सर हम लेडीज़ कंफ्यूज्ड हो जाती हैं सुबह के नाश्ते में क्या कुछ अलग और इंस्टेंट बनाया जाए, तो आप इस रेसिपी को अपने ब्रेकफास्ट लिस्ट में ज़रूर से ऐड कर लें। ये झटपट से बन जाता है और हेल्दी भी बहुत है, एज हमने इसमें बहुत सारे वेजीज डाले हैं। आप अपने मनपसंद की कोई भी वेजिटेबल इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा चिल्ला एकदम परफेक्टली एंड क्रिस्पी सिक चुका है, इसे निकाल लेंगे। अब हम हमारा दूसरा चिल्ला उतार लेंगे, तेल से ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा तेल पर हम थोड़ा सा सफ़ेद तिल डाल देंगे। अब बैटर को तवे पर डाल दे और स्प्रेड कर ले। अक्सर हमारा चिल्ला पलटते टाइम टूट जाता है, तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आपने इसे थोड़ा सा ही कुक करके पलट दिया हो। तो इसके लिए हमेशा एक साइड पहले क्रिस्पी हो जाने दे, फिर ही हमने दूसरी तरफ उसे पलटना है। चेक कर ले थोड़ा उठाकर, उसके बाद ही पलटे। कई बार बैटर काफ़ी सॉफ्ट होता है, लाइक हमारा इस चिल्ले में राइस फ्लोर डाला है हमने, तो अगर आपका बैटर सॉफ्ट हो गया हो और टूट रहा हो तो आप ऊपर से 5 से 6 स्पून सूजी ऐड कर दें, इससे आपका चिल्ला एकदम परफेक्ट उतरेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपी से अपडेटेड रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर रेसिपीज आप तक पहुंचती रहे। इस राइस फ्लोर चिल्ले को आप एज ब्रेकफास्ट में खाएं या फिर शाम के नाश्ते के लिए भी ये आप खा सकते हैं, ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। ये राइस चिल्ला बहुत ही हेल्दी है, एज हमने इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डाले हैं, तो बच्चों को भी आप इसे टिफ़िन में बनाकर दे सकते हैं सॉस के साथ, उन्हें बहुत ही पसंद आएगा। इसे आप सॉस या फिर हरी चटनी के साथ खाएं, या फिर आप इसे कोकोनट चटनी के साथ ट्राई करें, ये बहुत ही बेहतरीन लगेंगे आपको। आप इसे ऐसे भी खाएं या फिर आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ खाएं, इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करें, आपको डेफिनेटली ये राइस फ्लोर चिल्ला बहुत पसंद आएगा। हमारा चिल्ला रेडी है, अब इसे हम निकाल कर गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। आई होप ये रेसिपी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।